आइए आइए जयमल साहब जी आइए। हेलो कमल साहब। हेलो जयमल साहब, कमाल है, आप ही ने पार्टी रखी और आप ही लेट हो गए। भाई हम लेट हुए तो क्या हुआ, हमारे पार्टनर तो यहाँ मौजूद है। ये केदारनाथ कहाँ है? केदारनाथ? आओ भाई जयमल भाई, सब लोग बड़ी बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक ठाक है, डिनर भी है रेडी। साहब इतनी जल्दी डिनर? अभी तो पीना शुरू किया और आपने डिनर भी लगवा दिया। आज का डिनर कुछ ऐसा है जो न कभी आपने देखा होगा और ना कभी सुना होगा। आइए जेंटलमैन, जिसे जो भी डिश पसंद आए वो जितना चाहे उसके लिए ऑर्डर कर सकता है। जमल साहब, ना ऐसी डिशेस हमने कभी देखी थी ना हमने ऐसी कभी सुनी थी। अरे इसे देखकर तो मेरी भूखी चली गई। भाई ये सारी डिशेस मैं लेने के लिए तैयार हूँ। इन सारी आइटमों में से 1,000 मेरे नाम पे लिख दो। रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे सारे आइटम हमारे पास बहुत भारी मिकदार में आ रहे हैं और जिनको जितना भी चाहिए होगा वो सब मिलेगा। मगर इनकी डिलीवरी कहाँ पर होगी? इनकी डिलीवरी शहर में नहीं हो सकती, हमारे फार्म हाउस पर होगी। कल इन तमाम हथियारों से भरा हुआ एक ट्रक हमारे फार्म हाउस पर पहुंचेगा। जाने दे।
चीता चला दे। अमर, जानते उन मुजरिमों की मेडिकल रिपोर्ट क्या आई है? एक का तुमने पूरा बाजू उखाड़ दिया है, दूसरे का जबड़ा हिल रहा है और तीसरे की तुमने सारी पसलियां तोड़ दी हैं। सर, मेरा बस चलता तो आपके पास उनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती। और मेरा उसूल है, जो कानून तोड़ने की कोशिश करे उसका हाथ तोड़ दूं, जो कानून को चैलेंज करे उसके जबड़े तोड़ दूं, ताकि वो फिर कभी कानून तोड़ने की जरूरत ना करे। तुम्हारा इस तरह की मारपीट का रिकॉर्ड सारे पुलिस डिपार्टमेंट में मशहूर हो रहा है। एक और रिकॉर्ड भी मशहूर हो रहा है सर, मेरे हाथों कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिली। अगर मैं उन लोगों के हाथ पांव नहीं तोड़ता तो ना जाने उनके हाथों कितने बेगुनाह मारे जाते। लेकिन आप तो मेरी हिम्मत तोड़ रहे हैं। कानून तुम्हारी जागीर नहीं है, जिसे तुम अपनी मर्जी से जैसा चाहोगे इस्तेमाल करोगे। तो क्या मैं ये समझूं कि कानून मुजरिमों के बाप की जागीर है? इंस्पेक्टर अमर, पांव उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, और फर्ज भी उतना ही निभाना चाहिए जितनी उसकी हद हो। जुर्म अगर हद से बढ़ जाए तो एक ऑफिसर को हर हद पार करके अपनी जान की बाजी लगा के मुजरिमों को उनकी हद दिखा देनी चाहिए, यही मेरा उसूल है। लेकिन आप जैसे ऑफिसर तो हमें डरा धमका कर हदें बांधकर हमारे हाथ काट देते हैं। मैं तुम्हें कब का सस्पेंड कर चुका होता अगर तुम डिप्टी कमिश्नर के बेटे ना होते। You may go now. Hello. जी हाँ सर, मैं अभी आ रहा हूं। बल्ले ओ बल्ले, यहां से ली ना कुत्ते के पिल्ले। ओ बल्ले ओ बल्ले, मुजरिमों के अंजर पंजर टिले, मुंह पिले ते कपड़े गिले। ओए हमारा यार तो कानून के लिए जीता है, वर्दी के अंदर कानूनी जीता है। मगर शेर सिंह, अंदर बैठा हुआ वो एसीपी कानून का बब्बर शेर ऐसे गुर्रा रहा है जैसे मैंने मुजरिमों की हड्डी नहीं तोड़ी बल्कि उसकी कमर तोड़ दी है। ओए बल्ले ओ बल्ले, ऊपर वाला जरूर उतारेगा उस कमीने के बिल्ले। गुर्राने दे उसको, बल खाने दे उसको। ओए शेर सिंह जिसके साथ है, समझ लो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके साथ है। यार तूने बहुत अच्छा काम किया है, बल्ले ओ बल्ले, इसी बात पे खा यार तू रसगुल्ले। इतने सारे रसगुल्ले कहां से लाया? कहां से लाया? क्यों लाया? यार तू आम खा, गुडलियों की ना छोड़ दे। हम पुलिस वाले वर्दी पहन के जहां खड़े हो जाते हैं, दुकान अपनी हो जाती है, सामान अपना हो जाता है। ओए शेर सिंह, ओ यार क्या है कि मैं जा रहा था कल्ले कल्ले, दुकानदार ने कहा ओ बल्ले ओ बल्ले, कठे चाल ले घेऊन जा रसगुल्ले। तू नहीं सुधरेगा। 2 किलो तो मैं वही खा गया। अरे खा यार, कलकत्ता के हैं। मैं पूछता हूं कि जब पुलिस को हमारे ट्रक के बारे में मालूम हो चुका था तो तुमने हमें खबर क्यों नहीं दी खुराना? तुम्हारी बेवकूफी और लापरवाही की वजह से हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ सो हुआ, साथ में हमारे आदमी भी पकड़े गए हैं। जानते हो उसका नतीजा क्या हो सकता है? अब 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ भी करो, कैसे भी करो, वो आदमी जेल से छूट जाने चाहिए, समझे? फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता।
ये केस मेरे हाथों से निकल चुका है। तो क्या हम लोग हर महीने तुम जैसे पुलिस ऑफिसर्स पर लाखों रुपया इसलिए खर्च करते हैं कि वक्त आने पर तुम लाचार हो जाओ, तुम्हारे हाथ कमजोर हो जाए? पुलिस स्टेशन में आग लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमारे आदमियों को हर हालत में छुड़वाओ। ऐसा करने से मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। खुराना, रुपया कमाने के लिए जो शख्स कानून की वर्दी में कानून का व्यापार करता है, उसका कलेजा भी 100 गज का होना चाहिए। वो अपनी वर्दी और कुर्सी को ही नहीं बल्कि अपने सारे शरीर को कष्ट में लपेट कर चलता है। वो बर्बादी से नहीं डरता बल्कि बर्बादी खुद उससे डरती है। वो अपनी मौत से नहीं भागता बल्कि मौत उसकी जिंदगी से दूर भागती है। और तुम होगे, आप मेरी वफादारी पर शक कर रहे हैं। दरअसल ये केस मेरे हाथ में नहीं है, इंस्पेक्टर अमर के हाथ में है, और इंस्पेक्टर अमर का बाप इस इलाके का डेप्यूटी कमिश्नर है, जो इस शहर से तमाम जुर्म और मुजरिमों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने पर तुला हुआ है। I see. तो ये डिप्टी कमिश्नर नहीं चाहता कि उसका खानदान उसके और उसके बेटे के बाद आगे बढ़े। केदारनाथ, ये डिप्टी कमिश्नर राजेश्वर तुम्हारा दोस्त है ना? जिगरी दोस्त। मैं कल ही उनके घर जाकर ये पता लगाता हूँ कि बाप बेटे के दिमाग में कौन सा जहर पल रहा है, वो चाहते क्या हैं और उनका अगला कदम क्या है। हमारे खानदान के लोगों ने हमेशा कानून की रक्षा की है, वर्दी की इज्जत की है। कानून के लिए मरना, कानून के लिए जीना, यही हमारे खानदान की परंपरा रही है। अरे यार, बचपन से सुन रहा हूं तुझे और तेरे खानदान की परंपरा को, मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन तेरा बेटा जो कारनामे कर रहा है आजकल, उससे मुझे डर लग रहा है। क्यों, क्या कर रहा है वो? जिन लोगों से वो दुश्मनी मोल ले रहा है वो कितने खतरनाक हैं तू जानता नहीं। कानून की ताकत का अंदाजा शायद उन लोगों को नहीं है। जुर्म के खिलाफ लड़ना और मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाना हमारा धर्म है अंकल। तूफान एक बार अपना रास्ता बदल सकता है, लेकिन हम जैसे पुलिस ऑफिसर मंजिल तक पहुंचकर ही सांस लेते हैं। जरा मैं भी तो जानूं कि तुम बाप बेटे किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। इस शहर के जुर्म की जड़ तक, मुजरिमों के चेहरों से नकाब उतारने हैं मुझे। मतलब यह है कि तू अपनी जिद से बाज नहीं आएगा? जिद नहीं केदारनाथ, ये हमारा फर्ज है। देख मेरे भाई, भाई साहब अब छोड़िए ना ये जुर्मों की बातें। अच्छा ये बताइए, अनिता बेटी कैसी है? उसकी शादी वादी के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? बस भाभी, उसकी डॉक्टरी पास होने में सिर्फ 3 साल रह गए, उसके बाद आप जो कहेंगी कर देंगे। भाई साहब, आप जब भी आते हैं अकेले आते हैं, अनिता को साथ नहीं लाते, वो है कहाँ? अरे वाह वाह वाह, धुआं ही धुआं, खंडाला आ गया क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे अभी तो जेम मोड़ से निकले थे। अरे गाड़ी की तो ऐसी तैसी हो गई, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। अरे बाबा, बाबा क्या कर दिया, क्या किया क्या? अरे अरे अरे, बम्पर को तो मार के टेढ़ा कर दिया यार। अरे रेडिएटर को तो भंगा कर दिया। अरे बाबा, पूरी गाड़ी को तो MKA कर दिया यार तुमने। MKA मार के अंधी कर दी यार, लंगली लुली की तरह धुआं निकलता है। अरे साईं, इतना खर्चा, अरे पैसा कौन देगा? तू फिकर नहीं कर, फिकर नहीं कर, मैं पुलिस स्टेशन में जाएगा। अरे मैं कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके एक एक पैसा वसूल कर। यू स्टूपिड, गाड़ी देख के नहीं चला सकता? उसने लाल, क्या कमाल का माल। अरे मैडम, 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 अभी हम कोई थाना नहीं जाएगा, अभी हम कोई कोर्ट नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाएगा, आउट ऑफ कोर्ट फैसला करेगा। अरे अरे अरे, मेरे लच्छू पे लाइन मार दी है। अरे काहे का लच्छू, ये तो लल्लू लगता है, इस पे कौन लाइन मारेगा? क्या बात करती है मैडम, पूरा एरिया पूरा मल्ला मेरे पे लाइन मारता है मालूम है? चुप है चालू। ए चालू बोलती है चड़ी, एक तो मेरा दहेज का गाड़ी डैमेज किया। डाली तुम्हारा तो कुछ डैमेज नहीं हुआ? नहीं नहीं, मैं तो बाल बाल बच गया, लेकिन अब ये डैमेज गाड़ी का डैमेज कौन देगा? यू शट अप, पुलिस को बुलाओ, पुलिस 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 जल्दी आओ, हेल्प करो, मालूम पड़ेगा जब लेके जाएगा। अरे चाचा हवाला तुम्हारे जी लेके जाएगा। क्या हो रहा है साहब? ये मालूम है किधर से आ गई, कल मुही और मेरा गाड़ी ठोक दिया। देखो फ्रंट से मारा, एकदम फ्रंट से ठोका इसने, और हमारा लच्छू को लाइन भी मार दी है। हट, एक मिनट, केस किसका बनाऊं, गाड़ी ठोकने का या लाइन मारने का? फिलहाल तो लाइन मारने का बनाऊं नहीं। अरे चढ़ियो मो कुत्तो बिलो कारो मुत है। इंस्पेक्टर साहब, आप एक्सीडेंट का केस बनाओ। हां सर। मैडम लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस क्या मैं जेब में लेके घूमती हूँ?
घर पे है, घर आके लेके जाइए। पुलिस स्टेशन आपको जो कुछ भी बोलना है पुलिस स्टेशन में बोलिए। चलिए अरे चलिए मजा आएगा तेरे को बच्चू। अरे क्या मजा आएगा मुंजी सुठी वोटी खंडाला का प्रोग्राम कैंसिल वापस चलते चेंबूर वहां जाके कपड़े उतार देंगे। पगली मतलब पजामा पहन के तेरे को झामना का गुलाब जामुन खिलाएगा। छोड़ना मत इसको, छोड़ना मत इसको, ठोक के मेरा गाड़ी। अमर मेरी गाड़ी का क्या होगा? अरे गाड़ी छोड़ो, कोई ले आएगा। ये बताओ टक्कर कैसे हो गई? अरे आज मैं बहुत मूड में थी, सहेली की शादी हो रही है ना, तो अपनी शादी के बारे में सोचने लगी और तुम्हारे ख्यालों में खो गई। बस धड़ाक टक्कर हो गई। अगर इस टक्कर में तुम कानी लंगड़ी लुल्ली हो जाती तो ए यू। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, फिर टक्कर हो जाएगी। अमर मेरी सब सहेलियों की शादी हो गई, एक बची थी उसकी आज हो रही है। बताओ ना हमारी शादी कब होगी? तुम्हारे डैडी हमारे घर में बैठे हुए हैं, हम दोनों की शादी की बात कर रहे हैं। सच? हाँ। ओह अमर आई एम सो लकी। अच्छा ये बताओ तुम्हें कहाँ छोड़ूं? मोना के घर छोड़ दो, आज रात को वहाँ पे डांस है। ओ ओ यस ओके।
क्या बात है बेटे, बड़े मूड में लग रहे हो, कहां से आ रहे हो? जी ड्यूटी से आ रहा हूं। हम पुलिस वाले भी कितने अजीब हैं, ड्यूटी और फर्ज में ऐसे खो जाते हैं कि घर वालों तक को भूल जाते हैं। जी मैं समझा नहीं। कभी अपनी माँ के बारे में सोचा है? जब तुम और मैं दोनों ड्यूटी पे चले जाते हैं तो वो बेचारी कितनी अकेली रह जाती होगी। ओहो अभी समझा डैडी जी। तो अपनी जिंदगी और संसार के बारे में कुछ सोचो। अरे तू तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे छोटा सा बच्चा हो। एक ना एक दिन तो शादी करनी होगी ना तुझे। और सुन, मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है और तुम भी इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरे बहुत अजीज दोस्त की बेटी है। डैडी आपका फैसला मेरे लिए भगवान के फैसले के बराबर है। बेटे तुम्हारी सांसें मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। अरे भाई जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा कौन सा बोझ हल्का हो गया? अरे भाग्यवान तुम बहुत जल्द सास बनने वाली हो। अच्छा कौन सी लड़की पसंद की है मेरे बेटे ने? इंस्पेक्टर कमलनाथ की बेटी रजनी। तुम्हें याद होगा तकरीबन एक साल पहले कुछ गुंडों ने उसकी हत्या कर दी थी। दरअसल वो गुंडे मुझे मारने आ रहे थे लेकिन कमलनाथ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी तरफ आती हुई सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मैं अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर साहब कमलनाथ, कमलनाथ ये तूने क्या किया? मेरी तरफ आती हुई सारी गोलियां अपने सीने पे ले ली। मैं तेरा एहसान जिंदगी पर नहीं। राजेश्वर मुझसे ज्यादा तेरी जिंदगी कीमती है और फिर मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। बस एक फर्ज अधूरा रह गया। कौन सा फर्ज बोलना, मैं पूरा करूंगा। राजेश्वर इस दुनिया में मेरे सिवाय मेरी बेटी रजनी का कोई नहीं है। अरमान था कि मरने से पहले उसके हाथ के लिए कर देता। कमल तेरी बेटी की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक काम करेगा? हाँ हाँ बोलना। मेरी बेटी रजनी को अपने घर की बहू बना लेना। मैं तुझसे वादा करता हूं रजनी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। इसकी शादी मैं अमर के साथ करूंगा। डैडी, डैडी। वो एक ऐसा महान इंसान था जिसकी महानता की मिसाल पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सुनने को नहीं मिलती। बेटे तुमने इस रिश्ते के लिए हां करके मेरे वचन की इज्जत रख ली। भगवान इस दुनिया में हर मां बाप को तेरे जैसा बेटा दे। अपने डैडी के एहसानों का बदला चुकाने के लिए तुमने मेरी मोहब्बत की बलि चढ़ा दी, मेरे प्यार का गला घोट दिया तुमने, मेरे सारे सपने तोड़ दिए तुमने। अनिता, डैडी ने जिस विश्वास के साथ कमलनाथ की बेटी से मुझे शादी करने के लिए कहा, एक बेटा होने के नाते मैं उनकी आंखों में जलता हुआ विश्वास का वो दिया बुझा ना सका और उसी दिए ने मेरी दुनिया में आग लगा दी। अमर मैंने तुम्हारे सिवा और दुनिया में कुछ सोचा ही नहीं था।
उन वफाओं की सजा दे रहे हो तुम मुझे। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय करोगे मेरे साथ? अनिता मैं तुम्हें ये और कुछ कहकर मेरे दिल को तसल्ली देने की कोशिश मत करो अमर। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे खुशियां, मेरे कहके, मेरी जिंदगी, सब कुछ, सब खत्म हो गया अमर, सब खत्म हो गया। अनिता मुझे कर गई है कंगाल, मुझे कर गई है कंगाल, ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, हाँ ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, खुद हो गई माला माल, खुद हो गई माला माल, ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, हाँ मेरी अखियों में अखियां डाल, ऐ मुंडा मेरा दिल ले, मुझे कर गई है कंगाल, है कुड़ी मेरा दिल ले गई, हाँ है कुड़ी मेरा दिल ले गई, से चुरा जिद पे अड़ी, ओ जिद्दी कुड़ी, लौटा दे दिल तू मेरा, मेरा लुट गया सारा माल, ओ मेरा लुट गया सारा माल, ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, हाय मेरी अखियों में अखियां डाल, ऐ मुंडा मेरा दिल ले गया, ऐ मुंडा मेरा दिल ले गया। मुझे कर गई है कंगाल, ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, हाँ ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, खुद हो गई माला माल, ओ खुद हो गई माला माल, ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, हाय मेरी अखियों में अखियां डाल, ऐ मुंडा मेरा दिल ले गया, ऐ कुड़ी मेरा दिल ले गई, ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुडम ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनो हरि, ओम गजानन भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बूबलचारु भक्षणम, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं।
थोड़ी शराब ला दे। अनीता, शराब कम पियो तो अमृत है, ज्यादा पियो तो जहर है। अब तो जिंदगी ही जहर बन चुकी है। कहते हैं जहर को जहर ही मारता है। थोड़ी सी ला दे। तुझे अब एक बूंद नहीं मिलेगी। ठीक है, जहां शराब खत्म वहां अनीता की रात खत्म। बाय बाय। तू शराब पी कर आई है? गम मुझको पी गया, मैं शराब को पी गई। कहते दिल जलो की यही दवा होती है डैडी। किसके लिए अपना दिल जला रही है? उस कमीने अमर के लिए जो तुझे ठुकरा कर किसी और का हो गया है। वो किसी और का हो गया, गम मेरा हो गया। शराब जख्मों का इलाज नहीं है बेटी। अगर तू इसी तरह शराब में डूब गई तो अपनी जिंदगी तू बर्बाद करेगी, साथ में मेरी इज्जत भी तू मिट्टी में मिला देगी। मेरी तो जिंदगी ही मिट्टी में मिल गई, मेरे अरमान जल गए, सपने टूट गए। भूल जाओ उस मनहूस मोहब्बत को। वो दो कौड़ी का पुलिस वाला अपने आप को समझता क्या है? मैं उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा अपनी बेटी के लिए। अगर उसने तुझे ठुकराया है तो तू भी उसे ठोकर मार दे। बेटी भूल जा उसे, भूल जा। संभल के बेटी, संभल के। तेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके वो हरामजादा अपने बेटे की शादी की खुशियां मना रहा है। मैं राजेश्वर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम पर क्या बीत रही है केदारनाथ, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, मगर इस वक्त हमें सबसे पहले अपने उन आदमियों के बारे में सोचना होगा जो अभी तक पुलिस कस्टडी में हैं। खुराना बता रहा था कि राजेश्वर उनका मुंह खुलवाने के लिए उन पर जबरदस्त टॉर्चर कर रहा है। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, बताओ हथियार किसके लिए लेकर जा रहा था? मुझे नहीं मालूम। तो फिर तुझे मारकर उसी सड़क पे फेंक दूंगा और पुलिस रिकॉर्ड में ये लिखा जाएगा कि तूने भागने की कोशिश की और मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए साहब, मेरी बीवी है तो छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। तो फिर बता किसके लिए काम कर रहा है तू, बता। अगर मैं बता दूं तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ, अगर तू सरकारी गवाह बन जाएगा तो मैं तुझे जरूर छुड़वा दूंगा। मैं ये काम केदारनाथ के लिए करता हूँ। कमीने, अपनी जान बचाने के लिए केदारनाथ जैसे शरीफ आदमी के नाम पे कीचड़ उछालता है? मैं सच कह रहा हूँ साहब। नहीं, झूठ बोल रहा है तू। वो ऐसा गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ साहब। सबूत? कैसा सबूत? मेरे पास एक फाइल है जिसमें केदारनाथ के हाथों के लिखे हुए ऑर्डर हैं कि वो हथियार कहाँ पहुंचाने हैं। कहाँ है वो फाइल? ट्रक ड्राइवर की सीट के नीचे वाले खाने में। केदारनाथ, केदारनाथ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस शहर के जुर्म की जंजीरों से जुड़े हुए हो। आखिर भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया था? किस चीज की कमी थी तुम्हें? फजूल की बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मतलब की बात पर आओ और ये बताओ कि वो फाइल कहां है। क्यों कमिश्नर साहब चौंक गए? हमारे जिस आदमी ने तुम्हें उस फाइल तक पहुंचाया था उसे हमने ऊपर पहुंचा दिया। लाओ वो फाइल मेरे हवाले कर दो। मैं चाहता तो अरेस्ट वारंट के साथ
तेरे लिए पुलिस और हथकड़ी लेके आता, लेकिन तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसीलिए तुझे समझाने आया हूं कि ये जुर्म का रास्ता छोड़ दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तुम क्या समझते हो मेरी गिरफ्तारी से जुर्म का अंत हो जाएगा? अरे मैं तो उस जुर्म के पेड़ का एक छोटा सा पत्ता हूं। तो फिर उसकी जड़ कहां है? उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश मत करना राजेश्वर, वरना वहां से वापस नहीं लौट पाओगे और वहीं दफन होकर रह जाओगे। इसलिए फाइल मेरे हवाले कर दो और अपनी जान बचा लो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? केदारनाथ, तुम इतने बुजदिल और धोखेबाज निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक दोस्त के साथ गद्दारी करोगे? कैसा दोस्त? किसका दोस्त? अगर तुम मेरे दोस्त होते तो इस तरह मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करते। खैर छोड़ो इन बातों को, बताओ कि वो फाइल कहां है। वो फाइल तुझे जिंदगी भर नहीं मिलेगी। मैं तुझे केदारनाथ जी, आपकी फाइल मिल गई। रुक जाओ। गुप्ता, तू कमीने! शाबाश गुप्ता, शाबाश। ये फाइल तुम्हें मिली कहां से? मैं इनका खास आदमी हूं और ये जरूरी चीजें जीप में कहां छुपा कर रखते हैं मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हरामजादे कुत्ते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ तुम आ गए, ये लोग देशद्रोही हैं। ये फाइल लो, हेडक्वार्टर फोन करो और फोर्स बुला लो। फुराना, तू भी कमीने इनके साथ मिला हुआ है? मुझे करोड़ों का नुकसान पहुंचाकर तुमने सरकार से बहुत से मेडल हासिल किए हैं ना, ले आज मैं गोलियों की शक्ल में तेरे सीने पर मौत का मेडल सजाता हूं। माजी, माजी। कोई वैसी जानवर भी किसी जानवर की हत्या ऐसे नहीं कर सकता जैसी तुम्हारे पिताजी की हुई है। कौन वैसी दरिंदे थे वो? नहीं अमर, कोई भी बेटा अपने बाप की लाश को इस हालत में नहीं देख सकता जो तुम्हारे पिताजी की हुई है। लाश की हालत देखकर तेरी छाती फट जाएगी, तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। साहब, ये दामू की फाइल है। वही दामू जो 3 साल पहले 2 आदमियों का खून करके भाग गया था। हाँ साहब, 9 जून को जहाँ आपके डैडी का खून हुआ था, ये आदमी वहाँ घूमता हुआ पाया गया। है।
इसे कहीं देखा है तुमने? इतना धुंधला चेहरा है, इसे पहचानूं भी तो कैसे? शराब में धो के देखता हूं शायद। इंस्पेक्टर अमर तुम्हारी तलाश में आ पहुंचा है। जून को तूने किसी पुलिस ऑफिसर का खून किया था या नहीं? नहीं, मैंने किसी पुलिस ऑफिसर का खून नहीं किया। बता, बता। नन्ना वार्ड का यही लगता है भाई। मुबारका माँ जी, मुबारका भाई, हमारा दोस्त बाप बन गया। बल्ले हो बल्ले, आज तो हम झूमेंगे खुशियों के तल्ले। माँ जी, रजनी, पापी और बच्चा तो ठीक है ना? वो दोनों तो ठीक है, मगर अमर नहीं आया। वो क्या है माँ जी, हम पुलिस वाले जो हैं। आखिर उसे हुआ क्या है? ना वो बच्चे को देखने आया है, ना ही बीवी से मिलने आया। वो है कहाँ? तूने किसी पुलिस ऑफिसर का खून किया था या नहीं? मैंने किसी ऑफिसर का खून नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू? बता सबसे सच। बता, तेरा वो हाल करूंगा, ना तो जिंदा रहेगा ना मुड़ दो। अमर, अमर क्या? बता, मुड़ दे उसको, मुड़ कर बोल। ये मेरे बाप का कातिल है। जरूर कि हर मुजरिम तेरे बाप का कातिल हो। ओ बल्ले, ओ बल्ले, एक दिन तेरी वजह से उतर जाएंगे हम दोनों के बिल्ले। ये क्या हो जाता है तुझे? किसी भी मुजरिम को देखता हूं, उसके दामन पर मेरे बाप के खून के छींटे नजर आते हैं। इंतकाम का जुनून मौजे मारने लगता है, भूल जाता हूं अपने आप को। देख मेरे यार, तूने कोशिश की, मैंने कोशिश की, लेकिन असली कातिल की गर्दन तक न तेरे हाथ पहुंचे, न मेरे और न कानून के। कानून के हाथ खूनी की गर्दन तक पहुंचे या ना पहुंचे, एक पुलिस ऑफिसर भले ही हार जाए, लेकिन उस बाप का बेटा नहीं हारेगा। मेरी आंखें एक ना एक दिन इस खूनी को तलाश करके ही रहेगी। अमर बेटी, बेटी, मैं जानती हूं, जब कोई अपना बिछड़ जाता है तो इंसान इसी तरह बदहवास हो जाता है, मगर तू तो सारी दुनिया को भूल गया, अपने आप को भूल गया। ये कौन सी धुन सवार हो गई है तुझ पर? इंतकाम की धुन मां, इंतकाम की धुन। जब तक मेरे हाथ डैडी के कातिल की गर्दन तक नहीं पहुंचेंगे, मेरे सीने में आग भड़कती रहेगी। मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा मां, मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। ये सच है बेटी, जज्बात की चोट और दिल का घाव बहुत गहरा होता है, बहुत दर्द होता है उसमें। मगर बेटी, जो इस दुनिया से चले गए हैं वो तो चले ही गए हैं, मगर जो आए हैं उन्हें भी तो भुलाया नहीं जा सकता। कहते हैं बेटा बाप का दूसरा जन्म होता है। मैं बहू और बच्चे को घर ले आई हूं। Thank you.
मुझे माफ कर देना रजनी, मैं तुम्हें देखने अस्पताल में नहीं आ सका। मैं आपकी परेशानी समझती हूँ। ओ बल्ले ओ बल्ले, दबिया शेर सिंह डब्बों के थल्ले ले आए मुन्ना के खिलौने। थैंक यू अंकल। बाप रे, इतने ढेर सारे खिलौने कहाँ से ले आए, कितने के खरीदे? ओ बाबी जी, हम पुलिस वाले हैं, कितने के क्या होते हैं, जो चीज पसंद आ गई हमारी हो गई। ओ शेर सिंह, साडा मतलब है हम तो होलसेल के रेट पर लाए हैं। क्यों मुन्ना, पिछले 3 सालों से पूरा घर खिलौनों से भर डाला है और अब और खिलौने उठा लाए। अरे और क्या, मैं तो अपने मुन्ने के लिए जमीन आसमान उठा के लाऊं, ये तो मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरा ईमान है। अच्छा, बच्चे का इतना ख्याल है और बच्चे की माँ का बिल्कुल नहीं। अरे तुम कहो तो खड़े खड़े तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूं। मुझे तुम्हारी जान नहीं, जो लिस्ट दी थी वो सामान चाहिए। लिस्ट? कौन सी लिस्ट, कौन सा सामान? ये जान देंगे, ये रही लिस्ट। ये, अरे शेर सिंह ये कैसे भूल गया है यार। बल्ले ओ बल्ले, मेरे मिश्री के डल्ले, होता है होता है। भाभी जी वो क्या है, जो जो शादी पुरानी हो जाती है सिंसियरिटी की गारंटी भी कम हो जाती है। अबे ओ बल्ले ओ बल्ले, मेरा मुन्ना खेल रहा है कल्ले कल्ले। भाभी जी आज मारो सागे को। डार्लिंग जल्दी से 2 कप चाय बना के लाओ ना। ओए अनीता की फोटो, यार कभी अनीता की खबर मिली है? शेर सिंह, जिस तरह दिन में सितारे गायब हो जाते हैं ना, उसी तरह अनीता न जाने शहर में कहाँ खो गई। जिम्मेदार भी तुम हो, तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारा फरेब, तुम्हारी मंजिल अलग, मेरा रास्ता अलग, हटो। मेरी बात तो सुनो। अब कहने सुनने के दिन गुजर गए, ना मेरे पास सुनने के लिए वक्त है और ना ही सहने के लिए दिल। इस हालत में गाड़ी चलाओगी, मरना चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं जीना चाहती हूँ? तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन इंसान को जिंदगी में सब कुछ मिल तो नहीं जाता। तमन्नाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन सभी पूरी नहीं होती। फर्ज सिर्फ इतना है कि कुछ लोग आंसू बहाकर जीते हैं और कुछ लोग अपने दिल का दर्द छुपाकर जीते हैं। अनिता, दुनिया में इंसान सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुआ है, दूसरों के लिए जीकर देखो, जिंदगी का मतलब समझ जाओगी। अगर खुद खुश नहीं रह सकती तो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो। जिंदगी जो खुद के काम ना आए, दूसरों की जिंदगी संवारने में लगा दो, ऐसी शांति मिलेगी कि जीवन सफल हो जाएगा। आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूं।
अनीता, आज तूने फिर शराब पी है? जब तक दर्द मिटता नहीं लोग दवा पीते रहते हैं, मगर आज के बाद मैं कभी किसी नशीली चीज को नहीं छूंगी। देख बेटी, मैंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है, वो कल तुझे देखने आ रहा है। मैं 3 दिन के अंदर अंदर उसके साथ तेरी शादी कर दूंगा। अब मैं शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। क्यों नहीं करोगी? मैं तुझे हर रोज इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। आज के बाद आपको कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। I promise you. Good night. साहब, साहब, लगता है बेबी घर छोड़कर चली गई। क्या कर रही हो? ये चिट्ठी उसके कमरे से मिली है। डैडी, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत सताया। मेरी गलतियों को माफ कर देना। क्या करूं, मेरी बदनसीबी ने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया है, मैं बिखर कर रह गई हूं। लेकिन आप खुद को समेटने, अपने आप को तलाश करने जा रही हूं। मेरा सफर बहुत लंबा है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आपकी बेटी अनीता। साहब, जब से उसे होश आया है उसकी जुबान पर आप ही का नाम है। अब उसकी हालत कैसी है? बचने की कोई उम्मीद नहीं, तीसरी मंजिल से गिरा है, पसलियां पूरी टूट चुकी हैं। आइए पेड्रो, इंस्पेक्टर अमर आए हैं। साहब, साहब, मैं पेड्रो हूं। आपने मेरी बच्ची का जिंदगी बचाया था, बहुत एहसान किया पेड्रो पे। मरने से पहले हम एहसान का बदला चुकाएगा, ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए। कुछ साल पहले मैं गैरेज में चोरी करने गया था, कार डेक खोलने का कोशिश करता था, तभी एक पुलिस जीप आके वहां पे रुका। मैंने देखा उस जीप से आपका डैडी राजेश्वर उतरा और वो अंदर चला आया। पेड्रो, तुम्हें याद है वो तारीख कौन सी थी? साहब, वो 9 जून का तारीख था, 9 जून। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहां कौन आया? उसके बाद नहीं साहब, उसके पहले वहां केदारनाथ आया था। नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहां चला आया। दूसरों की नींद हराम करके तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई। पर मतलब की बात करो। नींद ना आने की दो ही वजह हो सकती है अंकल, एक परेशानी और दूसरा जब कोई मसला सुलझ ना रहा हो। घुमा फिरा कर बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो, साफ साफ कहो और चले जाओ यहां से। किसी ने मुझे बड़े यकीन के साथ कहा है कि मेरे डैडी के कत्ल के पीछे आपका हाथ है। पागल हो गए हो तुम? मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त का कत्ल करूंगा? भाभी जो मेरी देवी समान है उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ूंगा मैं? तुमने मेरे बस अंकल बस, यकीन तो मुझे भी नहीं आता था, अब बिल्कुल तसल्ली हो गई, उलझन सुलझ गई। तुम अपने दिमाग पर इस तरह जोर मत डालो, घर जाओ और आराम करो, जाओ। आराम तो सिर्फ उस दिन करूंगा अंकल, जिस दिन डैडी के कातिल को फांसी के तख्ते पे चढ़ाऊंगा। चलता हूं। इसका मतलब है कि तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचने की उसकी ये चाल थी, आज वो तुम तक पहुंचा है।
कल वो मुझ तक भी पहुंच सकता है। हाँ जेमल, मौत की तलवार बनकर वो हम सबके सरों पर लटक रहा है, अगर हमने जल्दी कोई कदम ना उठाया। फिकर मत करो केदारनाथ, फिकर मत करो। अब हम ऐसा खेल खेलेंगे कि सारा मामला एकदम शांत हो जाएगा। जयमल साहब, जब से डीसीपी राजेश्वर का कत्ल हुआ है, इंस्पेक्टर अमर ने तो हम जैसे लोगों का जीना ही मुश्किल कर दिया है। कईयों को तो मार मार के उनका हुलिया ही बिगाड़ दिया है, और अब उसका केदारनाथ पर शक करना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हाँ, मैं जानता हूं केदारनाथ एक बहुत ही कमजोर किस्म का इंसान है। पुलिस का दबाव पड़ने पर वो अपनी जबान कभी भी खोल सकता है। तुम एक काम करो, केदारनाथ का मुंह भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। मैं अभी खुराना को फोन लगाता हूं। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, एक ऐसा काम सौंप रहा हूं तुम्हें, अगर वो काम हो गया तो तुम्हारी वर्दी के सितारे भी बदल जाएंगे और तुम्हारी किस्मत के भी। अब मगर इस काम में जान का खतरा है। सर, वर्दी में जीना वर्दी में मरना हमारे खानदान की परंपरा है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। समंदरी रास्ते से कुछ गैर कानूनी माल आ रहा है और जिस गोडाउन में वो माल उतरने वाला है उस जगह को इंस्पेक्टर गुप्ता अच्छी तरह जानते हैं। सर, गैर कानूनी माल सरकारी गोदाम में होगा और मुजरिम हवालात में। सर, यही है वो जगह जहां स्मगलिंग के माल से भरा ट्रक उतरने वाला है। तुम मेरे साथ चलो और तुम लोग अपनी अपनी जगह पोजीशन ले लो। सर, बेहतर होगा कि मैं बाहर रहकर इंतजार करूं और इन लोगों पर कंट्रोल रखूं, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रक वालों को इन लोगों के होने का एहसास हो जाए। रिवॉल्वर फेंक दो इंस्पेक्टर, वरना इतनी गोलियां चलेंगी कि तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। अगर दो चार पल और जिंदा रहना चाहते हो तो रिवॉल्वर फेंक दो। अच्छा, तो तुम हो भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए, या धोखे से मुझे लाने की तुम्हारी चाल थी? एक धोखेबाज के साथ धोखे से ही पेश आना पड़ता है। तूने मेरी बेटी के साथ धोखा करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरी वजह से वो घर छोड़कर चली गई। उसके गम में जिस तरह मैं तड़प रहा हूं, आज तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा। किसने किसको धोखा दिया है ये तो वक्त ही बताएगा केदारनाथ, लेकिन आज तेरे काले कारनामों के साथ तेरी जिंदगी मैं खत्म कर दूंगा। तेरे बाप को भी यही गलतफहमी थी, इसीलिए वो मारा गया। अब तेरा भी वही अंजाम होने वाला है। देखते क्या हो, मार डालो हरामजादे को। रुक जाओ केदारनाथ, ये क्या बदतमीजी है? हमें ऑर्डर है कि अमर के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दिया जाए।
चलो। केदारनाथ, केदारनाथ। तू जिंदा है बेटे? हाँ, मुझे शक था कि मेरी मौत का जाल दुश्मनों ने जरूर बुना होगा। वही चाल चली होगी जो मेरे डैडी के साथ चली गई थी, इसलिए मैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया था। बताओ केदारनाथ, किसने ऑर्डर दिया था हम दोनों को मारने का? किसके कहने पर तुमने मेरे डैडी की हत्या की थी? नहीं अमर, मैंने तेरे डैडी की हत्या नहीं की। झूठ मत बोलो, मरने से पहले सच बोलकर एक पुण्य का काम करके जाओ। बताओ अमर, मैं अपनी इकलौती बेटी अनीता की कसम खाकर कहता हूं, तुम्हारे डैडी का कत्ल मैंने नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम हिंसा और हथियार का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे, तो फिर सेठ केदारनाथ का खून कैसे हुआ? सेठ केदारनाथ की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। उनके खून के छींटे मेरे दामन पर मत उछालिए। तो फिर किस पर उछालूं? हवाओं के दामन पर? सर, अगर मैं वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर नहीं गया होता तो इस वक्त आपको मेरी भी लाश ही मिलती। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सच्चाई मिस्टर गुप्ता से पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर गुप्ता ने रिपोर्ट दी है कि सेठ केदारनाथ की मौत तुम्हारी गोली से हुई है। ये रही उसकी रिपोर्ट। छोड़ दो इसे, मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे। अमर मार, अमर ले, अमर ले, क्या कर रहा है? छोड़ दी, हाथ में हाथ ले, गेंद मार दिया, बल्ले ने कितने बोल दिए? ऐसा सर को जीने का कोई हक नहीं है। ये वर्दी में छुपा एक जहरीला सांप है, जिसके दांत कानून के गर्दन में चढ़े हैं। ये बरसों से जनता का खून पी रहे हैं। ऐसे अफसर को तो पेट्रोल डाल के बीच चढ़ा में दबा देना चाहिए। तुम समझते हैं क्या हो अपने आप को? पुलिस की वर्दी पहन के अपनी मर्जी का कानून चलाओगे तुम? कानून के गिरेबान में हाथ डालकर गुंडागर्दी करोगे तुम? मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त सस्पेंड करता हूं। अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालो। एसपी साहब, आप कानून की पिस्तौल छीन सकते मगर मेरा मकसद नहीं छीन सकते, मेरी मंजिल नहीं छीन सकते। अब अगर आप मेरे रास्ते में पहाड़ भी लाकर खड़ा कर देंगे ना, तो मैं ज्वालामुखी बनकर पहाड़ों का सीना चीर कर अपना रास्ता बना दूंगा। लेकिन एक बात याद रहे, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से दहकता हुआ लावा निकलता है, आग निकलती है जो सामने आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देती है। बल्ले बल्ले, कानून से घायल जख्मी चीते, दुश्मन को मारने के लिए होश और आवाज चाहिए, जोश और जुनून नहीं। मेरा जुनून ही दुश्मनों की तबाही का कारण बनेगा। जिस दिन वो मेरे पंजों में आ गए ना, मैं उनका खून निचोड़ लूंगा। तू ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कोई सबूत है तेरे पास? सबूत मैं हूँ, खाकी वर्दी की आड़ में छुपे हुए ये भेड़िए ही असली मुजरिम है सिंह। बल्ले बल्ले, और उसी केदारनाथ के खून के इल्जाम में तेरी वर्दी उतर गई, बिल्ले छिन गए। ओए अब तो समझ दुश्मन की चाल को। अगर तूने दुश्मनों का खून कर दिया तो तुझ पर पेशेवर खूनी होने का इल्जाम लग जाएगा, सलाखों के पीछे चला जाएगा तू। ओ मेरे यार, तेरे पिता की आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। फर्ज और कानून की रक्षा करने वाले उस खानदान की परंपरा को ठोकर ना मार। तो फिर मैं क्या करूं? इन हाथों में चूड़ियां बनकर अंधेरे कोने में बैठ जाऊं? चूड़ियां ना पहन, मौत का कान बना दे उन सारे कंजरों को। उसके लिए हम लोगों को सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। जिस तरह दुश्मन ने तेरी पीठ पे वार किया है ना, तू भी कुछ सोच, उन सालों की पीठ पे वार कर। जीता चाहे कितना भी घायल क्यों ना हो जाए, हमला वो सामने से ही करेगा। देख मेरे यार, कभी कभी युद्ध जीतने के लिए चड़क के नीति का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। दुश्मनों ने साजिश के ऐसे जाल में तुझे फंसा दिया है कि तेरा सब कुछ चला गया है।
और वो आरामजादा खुराना और गुप्ता दोनों बिक चुके हैं। उनका कॉन्फिडेंस तो और बढ़ गया होगा और तुम्हारे बारे में वो बेफिक्र हो चुके हैं। बस यही मौका है, घायल चित्ते की तरह अपनी दोनों आंखें उन पर गड़ाए रखो। जैसे ही वो अपने जुर्म के पंजे बाहर निकाले उनकी गर्दन दबोच लो। ऐसा वार करो उन कमीने कंजरों पर कि ना तो वो जनता को मुंह दिखाने के लायक रहे और ना जुर्म की दुनिया को। जयमल साहब, हथियारों का कंसाइनमेंट कल यहाँ पहुंच जाएगा, उन्हें गोदाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाजन साहब, ये तो हमारा रोज का धंधा है। अगले हफ्ते इससे भी बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है, जरा होशियार है ना, आजकल पुलिस वाले बहुत चौकन्ने हो गए। हमारे होते इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अभी तो जयमल साहब सिर्फ नेशनल डॉन है, जिस दिन ये इंटरनेशनल डॉन बन गए ना तो हथियारों की लैंडिंग डायरेक्ट एयरपोर्ट पर हुआ करेगी। एक बात बताइए खुराना साहब, आपके होते हुए इनके पार्टनर केदारनाथ का खून एक पुलिस ऑफिसर ने कैसे कर दिया? वो भी हमारी एक राजनीतिक चाल थी। दरअसल इंस्पेक्टर अमर को शक हो गया था कि हमने उसके बाप का कत्ल किया है। वो केदारनाथ के जरिए हम तक पहुंचना चाहता था। इससे पहले कि केदारनाथ उसे कुछ बताता, हमने केदारनाथ को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और कत्ल का इल्जाम इंस्पेक्टर अमर पर लगवा दिया। कौन है? कौन है? भाई रुको, गजब हो गया, वो अमर ही था, उसके हाथ में वीडियो कैमरा भी था, लगता उसने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। अच्छा, फौरन पीटर को बुलाओ। माँ तुम अभी तक सही नहीं, रजनी और मुन्ना कहाँ है? मुन्ना सो रहा है बेटे, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना गर्म करके। अरे माँ बिना मुन्ने को देखे मुझे भूख कहाँ लगती है, मैं अभी आया। अरे आज मेरा मुन्ना जल्दी सो गया। नहीं डैडी, मैं सोया नहीं, जाग रहा हूँ। ये हुई ना, जैसा बाप ऐसा बेटा, हर वक्त बाप की तरह चौकन्ना रहता है। बाप की तरह नहीं, चीते की तरह। अच्छा, लेकिन मैं तो आपके लिए हाथी लेकर आया हूँ। अच्छा हाथी, हाथी मेरा साथी। हाँ Thank you.
बहुत घमंड था ना दिलेरी होशियारी और चालाकी पर, देखा क्या अंजाम हुआ। कंजरा तू इंसान नहीं जानवर है, जानवर। अमर का पूरा खानदान खत्म हो गया, वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और बजाय भगवान से उसके लिए प्रार्थना करने के तू सोच रहा है। और मेरा यार जिंदा रहा तो वर्दी की इज्जत के पास, आज अगर मार भी गया तो मार के भी अमर हो जाएगा। और तेरे वर्गी अफसर पे तू है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी, अमर की पत्नी और माँ तो ऑपरेशन थिएटर आने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी और अमर को भी हम बचा ना सके। अमर इज डेड। हमारी जिंदगियों पर बार बार पंजा मारने वाला वो कानूनी चीता अब तक चीता की आग में जलकर राख हो गया होगा। जयवल साहब, दोस्तों के जन्मदिन पर तो बड़े जश्न मनाए हैं, तो क्यों ना दुश्मन के मरण दिन पर भी जश्न मनाया जाए। चीयर्स। तो जिंदा है डॉक्टर साहब, जिंदा है। शुक्र है रब्बा। डॉक्टर साहब ये बच्चा है ना? प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए, इनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। डॉक्टर साहब जिंदा है मगर कोमा में है। कोमा में मतलब? कोमा में आदमी जिंदा तो रहता है लेकिन बेहोशी की हालत में। डॉक्टर साहब उसे कब होश आएगा? कुछ कह नहीं सकते, कल परसों भी आ सकता है या साल दो साल भी लग सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने मेरे यार को मारने की कोशिश की है अगर उन्हें यह पता चल गया कि वो जिंदा है तो लोग दोबारा भी वार कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब उसे दुनिया की नजरों में मरा ही रहने दीजिए प्लीज डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है। हे वाहेगुरु सच्चे पाशा, एक बारी मेरे यार को होश में ला दे, उसके बाद उन कंजरों को मौत का कफन ना पहना दिया तो मेरा नाम भी शेर सिंह नहीं। सनी, मालूम है 5 साल से तुम इधर ही है, रोज हम तुमको गुड मॉर्निंग बोलता है मगर एक बार भी तुम हमको गुड मॉर्निंग बोला नहीं। पर हम तुमको प्रॉमिस करता है एक दिन तुम हमको जरूर गुड मॉर्निंग बोलेगा। गॉड ब्लेस यू। जेसी, तेरा वो साइलेंट पेशेंट कुछ बोला? एकदम वैसा ही है, पर देखो उसका हार्ट बीट जो है एकदम स्टेडी। अरे जेसी, आज वो नई डॉक्टर आने वाली थी, उसका क्या हुआ? क्या पता, अब तक तो आ जाना चाहिए था। ओके, ये डॉक्टर अनीता है। हेलो, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। जेसी, इनको यहाँ के वार्ड्स दिखा दो। हाय जेसी। हेलो डॉक्टर, हम आपको सारे पेशेंट्स के बारे में बताएगा किस किस को क्या है। ये देखिए, ये बुढ़िया आफत की बुढ़िया है, रोज चॉकलेट मांगती है और नहीं देते तो गाली बकती है। पर इनको हुआ क्या है? डायबिटीज डॉक्टर, सीरियस डायबिटीज। ओह। और इसको देखिए, ये लव में मारा गया। क्या? हाँ,
मोटरसाइकिल का ऊपर एक छोकरी का पीछू पड़ा, इसका टांग टूट गया। 3 महीना हो गया डियर को, पर उसका टांग का हड्डी है क्या अपनी जगह के ऊपर आता ही नहीं। पर डॉक्टर बोला है कि अगला वीक तक उसका हड्डी अपना जगह के ऊपर आ जाएगा, उसके बाद ये फिर मोटरसाइकिल के ऊपर बैठेगा, फिर छोकरी का पीछू जाएगा, फिर टांग तोड़ेगा, फिर इधर आएगा, अभी लेफ्ट तोड़ा है, इसके बाद राइट तोड़ेगा। ये लव का लफड़ा जो है ना डॉक्टर, वेरी सॉरी सॉरी। आइए इसे देखिए। उमर, ये हमारा सबसे बेस्ट पेशेंट है, इसका कोई कंप्लेंट नहीं, बिल्कुल चुपचाप, 5 साल से कुछ भी नहीं बोलता। 5 साल क्या मतलब? कोमा, कोमा का केस है डॉक्टर। कोमा? एक्सक्यूज मी डॉक्टर, तुम जिंदा हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये कैसा करिश्मा है? ये थी, जल्दी आ, ये थी, देख ये तेरा पेशेंट। ओह थैंक यू गॉड, हमारे पेशेंट का ब्रेन पर काम करना चालू कर दिया, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर हम अभी अभी मॉनिटर में देखा, अमर का ब्रेन का वेव बहुत जोर से चालू हो गया, उसका हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया, ऐसे कैसे हुआ डॉक्टर? जेसी, ऊपर वाले ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, शायद इसे होश आ रहा है। हमारा प्रार्थना नहीं डॉक्टर, आप उसका वास्ते बहुत लकी है, आप उसको टच किया, उसका अंदर जिंदगी आ गया, उसका दिल का धड़कन बहुत फास्ट हो गया। आज आपका पहला दिन है और उसको होश आना शुरू हो गया, इट्स समथिंग ग्रेट। अब आप ही उसका देखभाल करो डॉक्टर प्लीज। जैसे मैं जरूर कोशिश करूंगी कि ये उस दुनिया में फिर से लौट आए जिसे ये खो चुका है। मुझे इसके केस की फाइल दो। श्योर डॉक्टर। बेकार है तो
क्या हो गया अमर? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि 5 साल तक तुम इस हालत में रहे। कितनी तकलीफें हुई होंगी तुम्हें, और इतने सालों बाद मुलाकात हुई भी तो इस हालत में। आंखें खोलो अमर, आंखें खोलो, लौट आओ अपनी दुनिया में। तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना अमर? मैं अनीता हूं, अनीता। मैं जानती हूं तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। मेरे प्यार की खातिर लौट आओ अमर, लौट आओ, लौट आओ अमर, लौट आओ। अमर, तुम होश में आ गए? I can't believe this. Oh God. जेसी, क्या हुआ? जेसी, क्या हुआ डॉक्टर? हमारा सनी होश में आ गया। देखा, हम तुमको बोला था ना, एक दिन तुम हमको जरूर गुड मॉर्निंग बोलेगा। डॉक्टर, हम डॉक्टर दास को बुलाता है। अच्छा, डॉक्टर दास। अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। नो मिस्टर अमर, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी आप उठने के काबिल नहीं है। इन्हें विटामिन के इंजेक्शन देना शुरू कर दो, और स्टीम बाथ और मसाज दिन में 2 बार। ओके? यस सर। तुम यहां कैसे आई? अमर, तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मैं भी जीना नहीं चाहती थी, मगर तुम्हारे शब्द याद आए, खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए जीना सीखो। बस मैंने दोबारा अपना मेडिकल कोर्स ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर बन गई, लोगों की सेवा में मन लगा लिया। ऐसे ऐसे गांव में गई जब कोई भी जाना पसंद न करे, फिर यहां चली आई। अमर, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस जन्म में दोबारा तुमसे मुलाकात होगी। बाय द वे, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी, उसमें खास बात लिखी है कि जब भी तुम्हें होश है शेर सिंह को कांटेक्ट कर लिया जाए। हाँ, इस बेमुरब्बत दुनिया में वही तो एक हमदर्द दोस्त है। अनिता, फौरन उसे फोन करो और यहां बुलाओ। हेलो, मैं इंस्पेक्टर शेर सिंह से बात कर सकती हूँ? शेर सिंह, मैं नेशनल हॉस्पिटल से डॉक्टर अनिता बोल रही हूँ। ये रुकिए। हेलो, मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ। शेर सिंह जी, आपके दोस्त अमर को होश आ गया है। ये कैसे हो सकता है? अमर का सीना तो पीटर ने गोलियों से छलनी कर दिया था, फिर वो बच कैसे सकता है? तुमने तो 5 साल पहले कहा था खुराना कि अमर मर चुका है। लगता है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। डॉक्टर ने अमर की मौत का ऐलान करके हमारे साथ गहरी चाल चली है। अगर वो जिंदा है तो मेरा नाम, पोजीशन और इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी, और मेरे साथ साथ तुम भी जेल की चक्की पीसोगे खुराना, क्योंकि अभी तक वो वीडियो टेप हमारे हाथ नहीं लगा है। अगर वही वीडियो टेप कानून के हाथ लग गया तो पीटर जी, अमर किसी भी हालत में अस्पताल से बचकर नहीं जाना चाहिए। यस सर।
एक्सक्यूज मी, अमर सक्सेना का रूम नंबर? रूम नंबर 403। थैंक यू। मानसी क्या हुआ तुम्हें? पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ, इसलिए उसने आदमी भेजा है मुझे मारने के लिए। Oh my God! तुम फिक्र मत करो, वो लोग हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। Are you okay? सोच रहे हो? मैं अपने दुश्मन के बारे में सोच रहा हूं। कौन है तुम्हारा दुश्मन? जयमाला।
जयमल? वो तो मेरे परिवार का हत्यारा है ही, तुम्हारे बाप का भी कातिल है। क्या? मैंने तो हाँ ने कहा, मेरी आंखों के सामने तुम्हारे डैडी का खून हुआ था, अब उसे खत्म करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। देखो अमर, अभी तुम्हारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि तुम उन लोगों का मुकाबला कर सको। देखो कुछ दिन और आराम कर लो, मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगी, जिससे तुम्हें तुम्हारी खोई हुई शक्ति वापस मिल जाएगी। सिर्फ इलाज से काम नहीं होगा, मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे कराटे सिखाए थे, अपनी रक्षा के अलावा अपनी खोई हुई ताकत वापस लाने के लिए कुछ और तरीके भी सिखाए थे, इसलिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं सब कुछ ला दूंगी। एक काम करना, शेर सिंह के घर जाना, उसे अपने साथ ले आना। ओके नबी, रिलैक्स। एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ जनाब, पीटर ने हॉस्पिटल में जिन दो आदमियों का कत्ल किया था उनके खून का इल्जाम मैंने इन दोनों पर लगा दिया है। अब अमर का बचना नामुमकिन है, क्योंकि मैंने सारे पुलिस डिपार्टमेंट को उनके पीछे लगा दिया है। पर ये तस्वीर तो केदारनाथ की बेटी अनीता की है। अगर ये लड़की अमर को लेकर भागी है तो पुलिस तो इस तक बाद में पहुंचेगी, हम मौत बनकर इस तक पहले पहुंच जाएंगे। अमर देखो मैं सब सामान ले आई। अमर कहां गए? अमर अमर तुम यहां कैसे आ गए? बस कोशिश करते करते। ओह वंडरफुल अमर, तुमने तो कमाल कर दिया। देखो अगर तुम इतनी जल्दी नीचे आ सकते हो तो कुछ ही दिनों में तुम तो चलने फिरने लगोगे। शेर सिंह से नहीं मिली? मैं गई थी उसके घर लेकिन वो मिला नहीं। एनीवे मैं यहां का पता छोड़कर आई हूं, वो आ जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि अगर तुम ना होती तो उस हॉस्पिटल में ग्लावर इस मरीज की तरह मर गया होता। अमर ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं अनिता, अगर मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अमर अपनों पर भी कोई एहसान किया करता है। खैर वो छोड़ो, मैं तुम्हारी सारी दवाइयां लेकर आई हूं, बोलो उनका क्या करना है। थोड़ा सा पानी गर्म करो और आज से इलाज शुरू कर दो।
बोल रही हूँ। हाँ बोलो शकु। बेटी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं कल भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं बेटी, कल कोई भरोसा नहीं मेरी जिंदगी का। ऐसे मत कहो शकु। सच बेटी। अच्छा तो फिकर मत कर, मैं अभी आती हूँ। अच्छा मेरी नौकरा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे देखकर आती हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। कहिए किसे मिलना है? ये शकुंतला का घर है ना? जी हाँ। मुझे उन्हीं से मिलना है। उनको तो अभी भी हॉस्पिटल लेकर गए। क्या? बाप रे, कौन सा हॉस्पिटल? लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। एक मिनट। तुम्हारे पीछे तो पुलिस पड़ी हुई है, तुमने तो दो आदमी का खून किया हुआ है। व्हाट नॉनसेंस। ये देखो,
अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही हैं? बस गई हमारे जाल में, अब ये सीधा अमर के पास जाएगी। पीछा करो। हमारे बुरे दिन टले, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा यार मौत को मार के इतने वर्षों बाद वापस आ गया। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है, मेरा यार मुझे मिल गया। 5 साल तक मैं रोज अस्पताल के चक्कर काटता था, पर दूर से तुझे देख के मैं चला जाता था ताकि दुश्मनों को शक ना पड़ जाए कि तू जिंदा है और मैं तुझे देखने आता हूं। यार अखबार में पढ़ा था कि अनीता और तू दो आदमियों का कत्ल करके भाग गए हो। अंदर चल, तुझे सब बताता हूं। दरअसल मैंने अनीता से कहा था कि तुझे पुलिस स्टेशन में फोन करके बताए कि मैं होश में आ गया हूं, लेकिन लगता है कि वो फोन किसी गलत आदमी के हाथ लग गया। मैंने तो उसी दिन नौकरी छोड़ दी थी जिस दिन तेरे साथ वो हादसा हुआ था। तुझे नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत थी? बल्ले ओ बल्ले, भाई कौन नौकरी करेगा उस कुत्ते कमीने कंजर के थल्ले। खैर छोड़ इन बातों को, तेरे वास्ते खुशखबरी है। क्या? शैतानों ने तो तेरा सब कुछ छीन लिया था, लेकिन भगवान ने मौत के उस तूफान में भी एक ऐसी जिंदगी को बचा लिया जो तेरे वास्ते जिंदगी भर का सहारा बन जाएगी। तेरा मुन्ना। मेरा मुन्ना जिंदा है? कहाँ है मेरा विकी शेर सिंह? मेरे पास, मेरे कार में। ये करिश्मा कैसे हो गया शेर सिंह? ओ बल्ले ओ बल्ले, वाहेगुरु के आगे किसी की ना चल ले। दरअसल गोलियों की आवाज सुनकर वो बच्चा डर गया था, घर की खिड़की से नीचे गिर के बेहोश हो गया था, और जब मैं वहां पहुंचा, शुक्र है वाहेगुरु का, वो मुझे मिल गया। ओ यार ऐ देख उसकी तस्वीर, बड़ा हो गया। शेर सिंह, सुना था कि जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, आज देख लिया। ओ नहीं, बड़ा तो ऊपर वाला जिसने हमारे विक्की की रक्षा की है। शेर सिंह मुझे विक्की के पास ले चल। ना ना ना, तेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, दुश्मनों का भी खतरा है। मैं विक्की को लेकर तुझे मिलाने ले आऊंगा। और हाँ यार, तू ये अपने पास रख ले, अब इसकी जरूरत नहीं है। किस चीज की कब जरूरत पड़ जाए कोई पता नहीं चलता, तू रख ले यार। अमर। अरे तुम इतनी जल्दी लौट रही? अमर, शकु से मिलने का तो मौका ही नहीं मिला। क्यों? हॉस्पिटल में जिन दो आदमियों का खून हुआ था ना, उस खून के इल्जाम में अखबार में हम दोनों की फोटो छपी है। क्या? हाँ? तुम्हें कैसे मालूम? शकू के घर में कोई आदमी था, उसने मुझे अखबार दिखाया। कौन था वो आदमी? मैं नहीं जानती। कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है? Thank you.
शेर सिंह स्पीकिंग। शेर सिंह, मैं अमर बोल रहा हूँ। ओ अमर, जयमाल के साथ जंग छिड़ चुकी है। तू विकी को लेकर चिड़ियाघर में 3 बजे तक पहुंच जाना। मान्यता के साथ वो कैसेट लेने जा रहा हूँ जिसमें जयमाल के सारे जुर्मों के सबूत हैं। ठीक है? ओ तो फिक्र ना कर, मैं विक्की बाबा को लेकर अभी वहां पहुंचता हूँ। नीता, वो कैसेट मैंने ऐसी जगह रखा था जहां किसी की नजर नहीं पड़ सकती। अगर वालमारी वही है तो कैसेट भी वही होगा। चले देखो, मैं उसको बातों में उलझाती हूँ, तुम अंदर से कैसेट लेके आओ। जाइए, आप मुझसे बात मत कीजिए, मैं खुद डॉक्टर से बात करती हूँ। डॉक्टर, आप ही डॉक्टर मिसेस दारू वाला है? तुमको मैं झाड़ू वाली दिखाई देती हूँ? नहीं, मैं ही दारू वाला हूँ। बोलो क्या तकलीफ है? वो क्या है कि रात को बहुत डरावने सपने आते हैं। हाँ? हाँ। तुमको कौन बोला रात को सुलाने के लिए उसको? बल्ले आजा मेरे जिगर के चल्ले पिठड़े। गल सुन पुत्रा। ओ बिकी बेटा, आइसक्रीम खाएगा? नहीं अंकल, पापा कब आएंगे? ओ बेटा, पापा भी आ जाएगा। बल्ले ओ बल्ले, आइसक्रीम खाने से बन जाते हैं डोले, चल खाते हैं आइसक्रीम। हमारे बेटे को एक आइसक्रीम दो। ओए हमको भी दो, खुशी का दिन है, हम भी मुंह मीठा करेगा। विक्की बेटा, तेरा पापा। पापा। तू ठीक है ना? आ बल्ले आ बल्ले, कुछ नहीं हुआ, गोली छू कर निकल गई है। यार तू आज इस कंजर के पुत्र को छोड़ना नहीं। ये कैसे तुम कमिश्नर साहब तक पहुंचाना, मुन्ना और शेर सिंह का ख्याल रखना। और तू चिंता ना कर, मैं इनके साथ कमिश्नर के पास जाता हूँ। जयमल के कुत्ते, खाकी वर्दी पहनकर तूने कानून को बहुत धोखा दिया। तेरी वजह से ना जाने कितने घर उजड़ गए। कुदरत का खेल देख खुलाना, मौत तुझे ऐसी जगह घसीट लाई है जहां से तू जिंदा कभी लौट के वापस नहीं जाएगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अमर। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि लोग तुझे चीता कहना भूल जाएंगे। Thank you.
अमर, मेरी जान बख्श दे। जयमल कहाँ है? वो इस वक्त अपने फार्म हाउस पर तुम्हारी मौत की खबर का इंतजार कर रहा है। फोन करके उसे बता दे कि तूने मुझे मार डाला। यस, सर जयमल स्पीकिंग। जयमल, मैंने अमर को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। गुड, वेरी गुड। तुमने जैसे कहा था अमर, मैंने वैसे ही कर दिया। अब तो मुझे छोड़ दे। तुझे छोड़ दूं ताकि तू ना जाने और कितने बेगुनाहों को मेरी तरह अनाथ बना दे? नहीं खुराना, नहीं, नहीं! Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Habibi, Ya महबूबा तेरी मैं नहीं,
परछाई देखी जो तेरी दिल रुबाई महबूबा मेरी महजबी दिल तुझ पे आया दिल नशी दिल रुबा मुझ पर कर यकीन दिल रुबा मुझ पर कर यकीन जिंदा तुम्हें तो खुराना ने मार डाला था मुझे तुम्हारे कुत्तों ने पहले भी मार दिया था लेकिन तुम भूल गए कि 10 कुत्ते मिलकर भी एक चीते का कुछ नहीं बिगाड़ सकते लेकिन आज तेरा वास्ता कुत्तों से नहीं शेर से पड़ा है बब्बर शेर से बोल डालो शर्मसाते को खेल खत्म हो गया जयमल बेगुनाहों के खून से तूने बहुत होली खेली है तेरे पापों का अंत हो जाएगा आज ये जख्मी चीता तेरा शिकार करेगा नहीं Yeah.
अमर। सर, मैंने इस राक्षस को खत्म कर दिया है, इसने मेरे सारे परिवार को सब मालूम हो चुका है। शेर सिंह की दी हुई वो कैसेट भी मैंने देख ली है। आई एम प्राउड ऑफ यू, हमेशा की तरह तुमने आज भी देश के गद्दार, देशद्रोही और खतरनाक भेड़िया का शिकार किया है। रियली यू आर द चीता ऑफ लॉ। पापा, शुक्र है वाहिगुरु तेरा। ओ बल्ले ओ बल्ले, चीता जी क्यों खड़े हो कल्ले कल्ले? ओ अनीता भाभी, लग जा हमारे यार के गले। आ बेटा, मैं तुझे जंगल दिखाता हूँ। पुलिस जी, लव स्टोरी से दूर हटो, चलो हमारे भाई भाभी को।